फिल्म गहराइयां सेक्स के देवता करण जौहर और सेक्स की मल्लिका दीपिका की फिल्म है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या मामला है, आइए जानते हैं पूरा मामला। दोस्तों, दीपिका पादुकोण एंड सिद्धांत चतुर्वेदी की गहराइयां वैलेंटाइन वीक पर रिलीज हुई, जो रोमांस और बेहद बोल्ड सीन्स के साथ रिश्तों की उलझन की कहानी है। दोस्तों, आपको बता दें, दीपिका ने पहली बार फिल्म में बेहद बोल्ड एंड इंटीमेट बेड सीन दिए हैं। बट गाइस, जब कमाल आर खान ने यह फिल्म देखी तो फिल्म की जमकर धज्जियां उड़ाई। जी हाँ, कमाल खान ने दीपिका के साथ साथ रणवीर सिंह को भी इसमें घसीटा। गहराइयां देखने के बाद कमाल आर खान ने इस फिल्म को सॉफ्ट पॉर्न फिल्म कहा। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, मैंने सॉफ्ट पॉर्न फिल्म गहराइयां देखी, जो सेक्स के देवता करण जौहर और सेक्स की मल्लिका दीपिका की फिल्म है। उनका हाथ यहाँ नहीं थमा, उन्होंने आगे कहा कि गहराइयां का हाईलाइट है कि जिसमें झुग्गी एक्टर बिलियनर बना है। भाई, जिसकी शक्ल पर लुक्खा लिखा हो वो बिलियनर कैसे बन सकता है, और ये क्या मजाक है। साथ ही साथ करण जौहर से क्वेश्चन पूछते हुए कमाल आर खान ने लिखा कि क्या ये लोग शादीशुदा नहीं हैं? तो अभी तक मुफ्त में घपा घप चल रहा है। करण भाई, यह नहीं होता भारत में यार, क्यों सोसाइटी को बर्बाद करने पर तुले हुए हो। साथ में दीपिका के खिल्ली उड़ाते हुए कमाल आर खान ने यह भी कहा कि यह फिल्म दीपिका की बायोपिक होनी चाहिए, क्योंकि दीपिका को पैसा और मजा बेहद पसंद है। दोस्तों, कमाल आर खान पिछले कई सालों से लगातार हिंदी फिल्मों पर रिव्यू करते आए हैं, जहां कई बड़े स्टार्स के खिलाफ कमाल आर खान अपनी बात रखते हैं। साथ ही साथ कंगना रनौत ने भी गहराइयां पर निशाना साधते हुए कहा, मैं भी इसी जमाने की हूँ, नए जमाने की फिल्मों के नाम पर कचरा मत बेचो प्लीज। बुरी फिल्म बुरी ही होती है, और कोई भी स्किन शो या फिर पोर्नोग्राफी इसे बचा नहीं सकती, इसमें कोई गहराइयां वाली बात नहीं है। वेल, दोस्तों, गहराइयां फिल्म को लेकर आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।